आज हम आपको बताएंगे द्वारका में कहां कहां पर मनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, किस एनजीओ ने बांटे कपड़े, और 10 सेकंड के ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि द्वारका का वो कौन सा सरकारी स्कूल है जो देश के अंदर नंबर वन है। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। द्वारका सेक्टर 10 में स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने टॉप किया है गवर्नमेंट डे स्कूल की रैंकिंग में, और ये फर्स्ट आए हैं पूरे देश में। इस सर्वे को ऑर्गेनाइज किया था एनुअल एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2019 ने। इसमें देश भर के हजारों स्कूलों का सर्वे किया गया, और उसमें जो आधार था वो 14 अलग अलग पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे इन स्कूलों की रैंकिंग दी गई। द्वारका सेक्टर 10 का स्कूल पूरे देश में नंबर वन रहा। इसके लिए स्कूल प्रशासन सरकार के साथ साथ द्वारका के रहने वालों को भी बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और उसके साथ साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया था। यह कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था महिला पार्क मेन ककरौला रोड पर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों की जाँच फ्री की गई। इस मौके पर द्वारका के सभी अस्पतालों की टीमें वहाँ पर मौजूद थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को मुफ्त में दवा भी दी गई। इस कैंप का लाभ बहुत बड़ी संख्या में आसपास के रहने वाले लोगों ने उठाया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए दूसरा कार्यक्रम हुआ था द्वारका सेक्टर 17 स्थित कम्युनिटी सेंटर में, और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था वार्ड 36S की काउंसलर नितिका शर्मा ने, जो की चेयरमैन भी है नियुक्ति समिति की SDMC की। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है 14 से 20 सितंबर तक। नितिका जी ने इसी के चलते केक काटा, और ये केक उन्होंने साथ मिलकर काटा था इलाके में सफाई करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर, और इस सेलिब्रेशन में उन लोगों ने भी शिरकत की। केक कटिंग सेरेमनी के बाद वहाँ पर एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि सब ने मिलकर साथ में भोजन का आनंद लिया। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। द्वारका सेक्टर 3 मटियाला एक्सटेंशन के नजदीक एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी एनजीओ ने कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। यहाँ पर उन्होंने कपड़ों के साथ साथ बच्चों को चॉकलेट, फल, जूस, बिस्किट भी डिस्ट्रीब्यूट किए। ये संस्था इस तरह की एक्टिविटी समय समय पर करती रहती है, इसके लिए इनको बधाई। आज वार्ड 38S में नेता सदन कमलजी सहरावत ने DDA फ्लैट्स सेक्टर 6 में स्वास्थ्य विभाग, सफाई विभाग व अन्य विभागों के साथ सफाई अभियान चलाया। उसके साथ साथ वहां पर फॉगिंग भी की गई, दवाई का छिड़काव किया गया ताकि लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। इस मौके पर उनके साथ मलेरिया इंस्पेक्टर रोहतास, सफाई निरीक्षक कुलदीप यादव व निगम के अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।